this is Neeraj Garg and you are watching the area related to the circles. Take the correct answer in the following. Area of sector of angle P in degree of a circle with radius R is. Options hai hamare paas A P upon 180 into 2 pi R, B P upon 180 into pi R square, C P upon 360 into 2 pi R, D P upon 720 into 2 pi r square. देखो area of sector में हमें जो angle दिया हुआ P दिया हुआ मतलब theta की value दी हुई है P और जो radius है वो capital R दिया हुआ है ठीक है और हमें निकालना है area of sector उसका formula क्या होता है area of sector का जो formula होता है that is theta upon 360 into pi r square ठीक है अब यहाँ पे theta कितना है P upon 360 into pi और capital R square अब ये कोई ऑप्शन है यहाँ पर यहाँ पी अब देखो ये तो हो ही नहीं सकता आर स्क्वायर नहीं है यहाँ पे पी अपॉन 180 इंटू वाई आर स्क्वायर ये भी नहीं है पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर ये भी नहीं है अब बचता है ये इसका मतलब तो यही आंसर होगा चलो देख लेते हैं होगा या नहीं होगा ठीक है तो अगर हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है यहाँ पर हमने इंटू 2 कर दिया और यहाँ पे भी इंटू 2 कर दिया तो ये क्या आ गया P upon 720 into ये कितना हो गया 2 pi r square ठीक है और इसी फॉर्म में तो दिया हुआ है आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है या इसको सिंपली तुम यहाँ से ये कैंसिल करके देखो तो ये कितना हो जाता है 360 तो भाई यही तो बन के आ गया ये जो हमारा था ठीक है तो आंसर क्या हो गया डी डी इज द राइट आंसर होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ऑल द बेस्ट